आज हम बना रहे हैं ओट्स इडली। तो सबसे पहले आप इसके इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। इसके लिए हमारे को चाहिए एक कटोरी, दो बड़े स्कूप भर के ये हमने ओट्स लिए हैं, और एक छोटी कटोरी हमने सूजी ली है, और 5 से 6 बड़े चम्मच हमने दही लिया है, आधा चम्मच चना दाल, और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम उड़द की दाल, थोड़ा सा काली सरसों, टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक, प्याज, हरी मिर्ची और शिमला मिर्च। आप चाहें तो आप इसमें गाजर भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। एक बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम ये एक बर्तन ले लेंगे, इसमें हम सबसे पहले ये ओट्स डाल देंगे, फिर हम इसमें सूजी डाल देंगे, और इसमें हम ये दही डाल के, और टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक, आधा चम्मच के करीब ये मैंने नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, और इसको अच्छे से मिक्स करके हम थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालेंगे, और 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे, जब तक कि हमारे सूजी और ओट्स जो हैं वो दही में अच्छे से फूल जाएंगे, तब तक हम फिर आगे की बाकी की तैयारी करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल करके इसको हमारे को बिल्कुल गाढ़ा पेस्ट बनाना है, और इसको हम बिना इनो या बिना किसी बेकिंग सोडा या इसका हम किसी का भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसके बिना ही ये बहुत ही एकदम अच्छी सी सॉफ्ट सी हमारी इडली बन करके तैयार हो जाएंगी। अब इसको हम, ये जो हमारा बैटर तैयार हो गया है, इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे, तब तक हम इसमें तड़के की तैयारी करते हैं। ये हमने एक पैन ले लिया है, जैसे ही हमारा पैन गर्म हो जाएगा हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच, बस ये इतना ही हमारे को इसमें ऑयल डालना है, 1 बड़ा चम्मच। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें सबसे पहले ये काली सरसों और साथ में ये चना दाल और उड़द की दाल डाल देंगे। और इसको अच्छे से थोड़ा सा भून जाएगा सब। अगर आपके पास कड़ी पत्ता हो, आज मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं है, अगर आपके पास कड़ी पत्ता हो तो आप इसमें कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये अच्छे से हमारी चना दाल भी 1 मिनट में हो जाएगी, और काली सरसों भी अच्छे से क्रैकल हो रही है। अब हम इसमें ये प्याज और हरी मिर्ची को भी हम हल्का सा भून लेंगे। एक पिंच हम इसमें हल्दी डाल देंगे, और ये 1 पिंच हम इसमें रेड चिली पाउडर। बस हमारे को प्याज को ज्यादा नहीं भूनना है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ी सा ठंडा होने देंगे, और तब हम इसको अपने जो हमने बैटर तैयार किया है उसमें ऐड करेंगे। ये हमने इडली कुकर में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, और तब तक हम अपने जो मोल्ड हैं, इडली मोल्ड हैं, उनको ग्रीस करते हैं और उसको तैयार करते हैं। ये देखिए, ये अब हमारा जो बैटर है ये अच्छे से इसमें दही के साथ सूजी और ओट्स जो हैं वो हमारे फूल गए हैं, एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये बारीक कटी शिमला मिर्च, और ये जो हमने मसाला तैयार किया था और अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
हम इसमें एक दो चम्मच पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा ये हमारे को थिक लग रहा है क्योंकि हम इसको बिना इनो और बिना किसी उसके बना रहे हैं, इसलिए हमारे को इसको थोड़ा सा नॉर्मल से थिक ही रखना है। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। इसमें हम ये दो चम्मच हमने इसमें पानी ऐड किया है। बहुत ही ये हेल्दी सी और एकदम बहुत ही टेस्टी सी ये हमारी इडली बनकर के तैयार होंगी। बस ये हमारे को इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम अपने इडली मोल्ड को ग्रीस कर लेते हैं। ये हम इनको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। हम इस पर ये अपना इडली का जो हमने तैयार किया है, ये क्योंकि थिक है, इसको हम ऐसे ही फैला करके इडली की शेप में तो ये देखिए ये अब हमारे मोल्ड तैयार हो गया है और उधर हमारा पानी भी गर्म हो गया है। अब हम इसको स्टीम होने के लिए रखते हैं। अब हम इसको ऐसे स्टीम होने के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे। और ये हमने इनको स्टीम होने के लिए रख दिया है। अब 10 मिनट के बाद हम इनको चेक करेंगे। तो अब ये हमारे को 10 मिनट हो गए हैं और अब हम इनको खोल करके चेक करते हैं कि हमारी इडली बन गई है। हम इसमें एक चाकू डाल करके ये देखिए ये एकदम क्लियर आ रहा है हमारा नाइफ, तो इसका मतलब है कि ये हमारी बन गई है। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और थोड़ी देर इनको ठंडा होने के बाद डीमोल्ड करेंगे। तो ये अब हमारी इडली ठंडी हो गई है। अब हम इनको डीमोल्ड करते हैं। ये देखिए ये बहुत ही इजीली हमारी निकल आई हैं सारी इडली। अब हम इनकी प्लेटिंग करते हैं। एकदम गर्मा गर्म बहुत ही हेल्दी और एकदम बहुत ही सॉफ्ट सी हमारी इडली बन करके तैयार हुई है। इसको हम आप इसको अपनी मनपसंद किसी भी चटनी के साथ, जैसे मैं इसको नारियल की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ, आप इसको नारियल की चटनी के साथ, टमाटर की चटनी के साथ या हरी चटनी के साथ, आप किसी भी चीज़ के साथ इसको खा सकते हैं। तो ये देखिए ये अब हमारी ओट्स, इंस्टेंट ओट्स इडली बहुत ही हेल्दी सा ब्रेकफास्ट है, जल्दी से बन करके तैयार हो गया है। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे ट्राई ज़रूर करेंगे। और आप मेरे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।